नमस्कार दोस्तों, संकल्प अकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का दूसरा अध्याय आखेट खाद संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो ये दूसरा अध्याय है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो आखेट यानी शिकार जो शिकारियों का जो है वो खाद्य संग्रहण किस तरह से करते थे और भोजन का उत्पादन किस तरह से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो तुषार जो है वो अपने एक तुषार जो है एक लड़का है, वो दिल्ली से चेन्नई के लिए यात्रा कर रहा है। ठीक है, अपने परिवार के साथ। तो ये इसको खिड़की वाली सीट मिलती है ट्रेन के अंदर, तो बाहर देख रहा होता है, तो इसको बाहर पेड़ पौधे खेत खलियान वगैरह दिखाई देते हैं। ठीक है, इतने में इसको इस बात का पता चलता है कि जो ट्रेन है वो केवल 100 साल पहले ही चली है। ठीक है, और बस तो बहुत बाद में आई है। ठीक है, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ है, नए नए प्रकार के इंजन आए, इसके बाद में बसें आई हैं। ठीक है, तो ये तुषार जो है सोचता है कि जो सवारियां हुआ करती थी आज से पहले, यानी कि जब लोगों के पास आने जाने के तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो लोग किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया करते होंगे। चलिए आइए हम इसी बात का पता लगाएंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर किस प्रकार से आया जाया करते थे, और उन्होंने भोजन उत्पादन किस प्रकार से प्रारंभ किया, और वो बसे किस प्रकार से, कृषक किस प्रकार बने और पशुपालक कैसे कहलाए। ठीक है, चलिए आइए। आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? तो आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है, पहले इसी से शुरुआत करते हैं। जो इस महाद्वीप से उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उन्हें हम आखेट खाद संग्राहक के नाम से जानते हैं। यानी जो शिकारियों का संग्रह शिकार का संग्रहण क्या करते थे, यानी कि शिकारी होते थे और अपने साथ जो शिकार क्या करते थे उसका संग्रहण क्या करते थे, भोजन के रूप में संग्रहण क्या करते थे, तो इन्हीं को हम आखेट खाद्य संग्रह के रूप में जानते हैं। यही आरंभिक लोग हुआ करते थे, यानी जिसे हम आदि मानव आमतौर पर कहा करते हैं। ठीक है, ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां चिड़ियां पकड़ते थे, फूल दाने बत्तियां पौधे अंडे इकट्ठा किया करते थे और इसे भोजन के रूप में प्रयोग किया करते थे। ठीक है, और एक जगह से ये समुदाय क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण हैं। जैसे पहला तो कारण ये था कि एक जगह ज़्यादा दिनों तक रहने के आसपास से पौधे और फलों की जो है कमी हो जाती थी, जानवर खाकर ही समाप्त कर देते थे, क्योंकि इनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से नए पौधे उगाए जाएँ। ठीक है, तो ये कैसे उनका उत्पादन किया जाए, तो इसलिए भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना पड़ता था, ये इनकी मजबूरी हो जाया करती थी। ठीक है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये शिकार करने के लिए या हिरण या फिर ऐसे मवेशियों को चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, इसलिए जानवर का शिकार करने के लिए लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे। क्या होता था, ये जो शिकार जो हिरण वगैरह होते थे, यानी कि जो ऐसे शिकार होते थे जो इंसानों के, जिन्हें वो आसानी से पकड़ सकता था, वे आमतौर पर चारा खाते थे, घास खाया करते थे, तो घास ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह विस्थापन किया करते थे जानवर। तो उनके साथ साथ ये भी जो हमारे आरंभिक लोग हैं, ये भी उनके शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाया करते होंगे एक दूसरे से दूसरे स्थान पर। ठीक है, और तीसरा बड़ा कारण यह था कि पेड़ पौधे और फल फूल जो है अलग अलग मौसमों में आते थे। मौसम एक सबसे बड़ा कारण था इनके इधर से उधर घूमने का। ठीक है, तो ये मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते होंगे। ठीक है, और चौथा कारण ये हो सकता है कि बिना पानी के किसी प्राणी और पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं है। ठीक है, आमतौर पर जो झरने और नदियां होती थी उनमें पानी सदैव मिलता था, लेकिन ऐसी कुछ भी नदियां होती थी जो सूख जाया करती थी, जिनमें बारिश के समय पानी उपलब्ध हो पाता था। ठीक है, तो पानी की तलाश में भी ये लोग इधर से उधर घूमते थे। ठीक है, चलिए आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे किस प्रकार प्राप्त होती है, जो शुरुआती मानव है इनके बारे में हमें जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट और संग्रहण के लिए किया जाता था, यानी शिकार के लिए और उसका खाद्य संग्रहण के लिए किया जाता था। यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों का हड्डियों का औजार बनाया करते होंगे। ठीक है, इन औजार वो आज भी पुरातत्वविदों को मिले हैं और कुछ ऐसे औजार आज भी बचे हुए हैं। ठीक है, इन औजारों का आमतौर पर उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने और पेड़ की छाल को काटने और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, ताकि वो अपने प्रयोग में ला सकें। हड्डियों के साथ जो अन्य पत्थर वाले हथियार होते थे उनमें लकड़ियां लगाकर इन्होंने कुछ भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए होंगे। ठीक है, जो कुछ औजारों से कुछ जो औजार थे वो कुछ औजार ऐसे भी थे जो लकड़ियां काटने के काम आते थे या फिर, और वो उन लकड़ियों का ये ईंधन के रूप में
प्रयोग करते होंगे, जैसे झोपड़ी बनाना, औजार बनाना आगे के इस काम के लिए करते होंगे। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, ये उस पे एक पेड़ है, उसकी जड़ खोद रहे हैं। ऐसे कुछ पौधे हुआ करते होंगे जिनके ये जड़ खाने का खाया करते होंगे। ठीक है, तो उनको एक खोदा जा रहा है, और दूसरा ये एक खाल है। ठीक है, इस खाल का प्रयोग ये वस्त्र के लिए रूप में किया करते होंगे। ठीक है, और ये जो साथ में दिख रहा है ये हथियार, ये इसका ये हथियार है पत्थर का, इसका प्रयोग ये कपड़े सिलने के लिए और खोदने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, रहने के लिए जगह का निर्धारण किस प्रकार किया जाता होगा। ठीक है, देखिए इस मानचित्र के अंदर हमें एक मानचित्र दिया गया है, और इस मानचित्र में कहा गया जो लाल त्रिकोण वाले स्थल है, तो यहाँ पर ये लोग पहले रहते थे। ठीक है, मतलब ऐसे सब हमें प्रमाण मिलते हैं, ऐसे कुछ स्रोत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर बसे होंगे पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें जैसे कुछ मानचित्र है जिसमें जो लाल लाल दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है, पुराणिक स्रोत। ठीक है, ये पुराणिक काल के स्रोत हैं, जिससे कि इसमें दिखाया गया भीमबेटका। ठीक है, ये एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर लोग रहे होंगे। ठीक है, हुंसी और कुरनूल की गुफाएं। ठीक है, ये हमारे दक्षिण भारत में पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लोग रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह ढूंढते रहते थे, और अच्छे पत्थर, ये अच्छे पत्थरों की तलाश में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आए जाए करते होंगे। ठीक है, तो जैसे ये चित्र दिखाया जा रहा है, चित्र शैली एक हमें आरंभिक चित्र मिलता है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो एक आदमी है वो शिकार कर रहा है हिरण का। ठीक है, किसी जानवर का शिकार कर रहा है, हिरण हो सकता है। ठीक है, ये हमें आमतौर पर दीवारों पर ऐसे चित्र मिलते हैं। ठीक है, ये मिलता है मध्य प्रदेश की जो भी भीमबेटका गुफाएं देखी इसके अंदर, और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में ऐसे चित्र हमें मिले हैं। ठीक है, ये है भीमबेटका की गुफा। ठीक है, ये जो है ये हमें गुफा बता गुफा है भीमबेटका वाली। ठीक है, अब बताएं पुरास्थल, जो पुरास्थल का मतलब पुरास्थल किसे कहते हैं, तो पुरास्थल वो स्थान को कहते हैं जहां से हमें औजार बर्तन और इमारतें और वस्तुएं मतलब ऐसे कुछ वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, जो जिससे पता चलता है कि लोग उस समय के किस तरह से रहा करते थे और किस तरह उनका जीवन हुआ करता था, जिसके बारे में जिन चीज़ों से हम उनके जीवन के बारे में अनुमान लगाते हैं उन्हें पुरास्थल कहते हैं। ये इनकी खोज पुरातत्वविद करते हैं और इनकी व्याख्या इतिहासकारों द्वारा की जाती है। ठीक है, जिससे हमने भी कुरनूल की गुफा देखी थी जो दक्षिण भारत में, यहाँ पर हमें राख के अवशेष मिले हैं, यानी कि कुछ जला हुआ मिला है। इससे पता चलता है कि लोगों ने आग जलाना, आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख लिया होगा। ठीक है, इसके इस्तेमाल से कई कार्य किया गया होगा, जैसे जो आग जलाना सीखा इन्होंने, इससे क्या करते होंगे, मांस पकाते होंगे। ठीक है, खतरनाक जानवरों को अपने से दूर भगाने का भी काम करते होंगे, और प्रकाश के रूप में यानी लाइट के रूप में उस आग का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, नाम और तिथियां। ठीक है, देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारी, जो जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसे हम पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे आरंभिक काल में वो लोग इसको पुरापाषाण काल कहते हैं, मतलब पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर से। ठीक है, तो यानी कि पुरा पाषाण यानी कि बहुत पहले की बात इसमें बताई गई, यानी कि जब लोग पत्थरों से के सहारे अपना जीवन जिया करते थे, यानी कि पत्थर जो होते थे उनके महत्वपूर्ण हथियार होते थे। तो ये पुरा पाषाण काल का जो काल है पुरा पाषाण काल का, यानी कि जो पत्थरों का काल है, ये रहा होगा 12,000 साल से पहले के दौरान का माना जाता है, यानी कि आज से 2,000,000 साल से पहले और 12,000 साल के बीच का समय काल रहा होगा। इस काल में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला तो आरंभिक, फिर मध्य, फिर उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, मानव इतिहास में कि जो 99% कहानियां हैं इसी काल के दौरान घटित हुई होंगी, यानी कि जो भी हम आज कहानियां देख रहे हैं किस प्रकार से मानव ने बसना, ठीक है, किस प्रकार ने मानव ने कृषि करना सीखा, शिकार करना सीखा, खाद्य संग्रहण सीखा, ठीक है, उसको पौधों के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त की, पशुपालन किस प्रकार से आरंभ हुआ, लोगों ने जानवर कैसे पालने सीखे, ठीक है, ये सारी कहानियां जो है इसी दौरान हुई होगी, इसमें आग जलाना भी शामिल है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ बड़े पर्यावरणीय बदलाव होते हैं। ठीक है, जिसे हम मैथिलीस यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल में औजार जो पाषाण औजार है वो आमतौर पर छोटे होते गए, यानी कि जो शुरुआती पाषाण युग था उसके अंदर जो पत्थरों के हथियार थे वो कुछ भारी और मोटे भारी और वो ज्यादा धारदार नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो मध्य पाषाण काल आता है इसमें ये हथियार छोटे हो जाते हैं और बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं, इनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है और ये हल्के भी हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके बाद आता है ये मैथिलीस यानी मध्य पाषाण
काल भी कहा जाता है। ठीक है, इन औजारों से हड्डियां और लकड़ियों में लगे कुछ ऐसे औजार भी मिलते हैं जिनका पुरापाषाण युग में औजार भी बनाए जा सके रहते होंगे, यानी कि लकड़ियों से भी, लकड़ियों को लगाकर भी कुछ औजार बनाए जाते होंगे। ठीक है, जिससे हम मैंने पहले पढ़ा भाला और बाण जैसी चीजें बनाते होंगे। ठीक है, 10,000 साल पहले जो शुरुआत हुई से नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 10,000 साल पहले जो नई चीजें प्रारंभ हुई होगी, नया काल जो युग आया होगा, उसे हम नवपाषाण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम इसे अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे कि अलग अलग चीजों में किस किस तरह का उत्पादन होता है, फिर किस किस तरह से ये उत्पादन के अंदर युगों में नए नए प्रकार के उत्पादन किस प्रकार से होते हैं। तो पिछले हमने पढ़ा कि बदलती जलवायु किस प्रकार से जो हमारे मानव जीवन पर असर डालती है। तो 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु में बड़े परिवर्तन आए। ठीक है, गर्मी बढ़ने लगी, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, घास के मैदान बनने लगे, जिससे हिरण और बारहसिंघा और भेड़ बकरी गाय आदि जैसे जानवरों को बड़ी संख्या में घास मिली। ठीक है, जिससे खाकर वे जिंदा रह सकते हो, और इससे क्या हुआ, उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो बढ़ी और बहुत सारे जानवर आ गए, यानी कि ऐसे कुछ जानवर आ गए जो इंसान के काम के थे, यानी कि मानव के काम के थे। तो क्या हुआ, जो लोग इनका शिकार करते थे वे अब इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें और इनके प्रजनन के बारे में जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि इनमें से अधिक लोगों ने इनको पकड़ भी लिया होगा। ठीक है, और अपनी जरूरत के अनुसार पालने लगे। साथ ही इस काल में लोग मछली का भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, और साथ में ये लोगों ने मछली पकड़ना भी इस काल में सीख लिया। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई होगी। ठीक है, तो कुछ इस दौरान कुछ उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, यानी कि स्वयं उगने लगे थे प्राकृतिक रूप से। इसके पीछे किसी का हाथ था, किसी ने वहां पर बुआई नहीं की थी। ठीक है, और इसमें शायद कुछ पुरुष और बच्चे रहे होंगे जो अनाज को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा, जो शिकार नहीं कर पा रहे होंगे उन्होंने इसको भोजन के रूप में अपना बटोरना शुरू कर दिया होगा, और इसे और साथ ही साथ ये भी सीखने लगे होंगे ये अनाज कहाँ उगते हैं, कब उगते हैं और पककर कैसे तैयार होते हैं। ठीक है, कब पककर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा करते समय उन लोगों ने अनाज, खुद को अनाज पैदा करना सीख लिया होगा, और धीरे धीरे यही लोग आगे चल के कृषक के रूप में विकसित होते हैं। इसी तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को भी बुलाया करते थे। ठीक है, क्या करते थे लोग, चारा रख देते थे अपने घरों के आगे और जानवरों को उससे बुलाया करते थे, जिससे जंगली जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया। इसमें पहले ऐसा बताया जाता है कि जो कुत्ते के जंगली पूर्वज थे उनको सबसे पहले इंसानों ने अपना पालतू पशु बनाया, फिर लोग धीरे धीरे भेड़ और गाय, सुअर और जैसे जानवरों को भी अपने घर के नजदीक आने को प्रोत्साहित करने लगे, और ऐसे जानवर जो थे आमतौर पर झुंड में रहा करते थे और ज्यादातर घास खाया करते थे। अक्सर लोग इन्हें जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, क्योंकि जो जंगली जानवर होते थे, जो खूंखार जानवर होते थे, वो इन्हीं का आमतौर पर शिकार किया करते थे, और इसी प्रकार लोग पशुपालक भी बने। ठीक है, जिन्होंने पशु पालना शुरू कर दिया वो पशुपालक कहलाए, और जिन्होंने कृषि करना शुरू किया वो कृषक बन गए। ठीक है, हालांकि बहुत सारे लोगों ने दोनों काम भी शुरू किया। बसने की प्रक्रिया किस प्रकार से आरंभ हुई होगी। ठीक है, जो लोगों द्वारा पौधे उगाए जाने की और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को ही बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से लोगों ने पौधे उगाना सीखा और जो जंगली पौधे थे उनको उगाना सीखा और उनके बारे में विभिन्न जानकारियां स्थापित की। ठीक है, और जानवरों के बारे में भी विभिन्न जानकारियां पाई, जिससे कि उन्हें पालने में आसानी हो। हम देखेंगे कि आमतौर पर जो पौधे और जानवरों का चयन किया गया वो कम बीमार होने की संभावना वाले ही थे। ठीक है, और ऐसे पौधे चुने गए जिनके दाने जो है बड़े होते थे। ठीक है, बड़े दाने वाले हो गए, और कुछ और ऐसे पौधे जो है जिनके बीज जो है संभाल कर रखे जा सकते थे, जिन्हें हम दोबारा उगा सकते हैं। ठीक है, जिनकी खेती हम कर सकते हैं, और ऐसे पशुपालक है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। ठीक है, जिनसे इंसानों को कोई खतरा ना हो। ठीक है, ऐसे जानवरों और कृषि को अपने पौधे अपनाएगा जो जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। ठीक है, ऐसे जानवर जो इंसान के साथ रहे, और ऐसे पौधे जो जिन्हें इंसानों ने उगाया वो जंगली पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं तो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत छोटे और दांत और सिंह जो है वो छोटे होते हैं। ठीक है, जबकि जंगली जानवरों के कोई काफी खूंखार होते हैं। ठीक है, ये बसने की प्रक्रिया धीरे धीरे दुनिया में चलती रही, करीब 12,000 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई होगी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। एक नवीन जीवन शैली। ठीक है, अब एक नई तरह की जीवन शैली का उदय हुआ होगा। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ पौधे उगाने और उसकी देखभाल करने के लिए लंबे समय तक रहना पड़ा। ठीक है, ऐसा होता है कि जब लोग पौधे उगाते हैं तो उसकी देखभाल करने के लिए लंबे समय तक रहना होता है। कुछ मतलब ऐसा नहीं होता कि जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो तुरंत ही बड़ा हो जाता है, उसके लगने में कम से कम महीनों भर का समय लग जाता है, तब वो हमें कोई भी अनाज या फिर कोई भी फल दे पाता है।
ठीक है। तो इसी तरीके से जो लोग वहां पर रहे वो लोग एक जगह बसने लग गए, ठीक है। तो इसमें फसल पकने तक उनको वहीं पर रुकना था, ठीक है। और क्या था, साथ में पौधों की सिंचाई करने रहना, खरपतवार को हटाते रहना, जानवर और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करना, फसलों की सुरक्षा करनी होती थी जानवरों से और चिड़ियों से ताकि वो उसे खा ना जाए, ठीक है। और कटाई के लिए अनाज का कटाई के बाद अनाज को संभालना ही बहुत एक बड़ा काम था और उसको संभालना पड़ता था। इससे क्या हुआ, लोग एक जगह बसने लग गए, ठीक है। और इसके साथ में जो आवश्यक अनाज का भंडारण भी इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। जब भंडारण शुरू कर दिया तो अभी दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए होंगे और छोटी टुकड़ियां बुनकर और जमीन का गड्ढा खोदकर उन्हें जो अनाज उगाया उन्होंने उनको अपना भंडारण किया होगा, ठीक है। अब एक जानवर जो थे वो भी चलते फिरते खाद्य भंडार थे, यानी कि जो जानवर उन्होंने पाले वो क्या करते थे, वो बच्चे देते थे जिनसे उनकी संख्या बढ़ती रहती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और साथ में इनसे दूध मिलता था जो कि इनके लिए भोजन का एक अच्छा स्रोत माना जाता था, जिसमें काफी मात्रा में हमें और भी अन्य प्रकार के जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे एक अच्छा प्रकार का भोजन माना गया और जानवरों का मांस तो मिलता ही था, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें पशुपालन भी एक भोजन भंडारण का एक तरीका बन गया, ठीक है। अब जो आरंभिक कृषक थे और पशुपालक के बारे में हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले नक्शे में देखा, जो मैप मिला दिया हुआ था हमें, उस मैप में हमने देखा कि जो नीले वर्ग से दर्शाया गया जो हमें वहां पर हमें कुछ जो जहां पुरातत्वविदों को कुछ कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जहां पर पुरातत्वविद को कृषक और पशुपालक रहे होंगे, ठीक है। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अधिकतर पश्चिमोत्तर क्षेत्र जैसे आधुनिक क्षेत्र से लेकर और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, ऐसे कुछ साक्ष्य जिनसे पता चलता है कि लोग यहाँ के कृषक और पशुपालक दोनों बन चुके थे, ठीक है। 12,000 साल पहले की बात है, ठीक है। वास्तव में जो जो जिसमें मैप में स्थान दिए गए हैं वो कृषक और पशुपालन की बस्तियां थी जो नीले कलर से दर्शाई गई है। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खुदाई शुरू की, ठीक है, जिससे पौधे और पशुओं की हड्डियां और नमूने का अध्ययन किया गया, ठीक है। जहां पे कुछ पौधे और पशुओं के जो हड्डियां और कुछ नमूने मिले हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, ठीक है। इसमें रोचक बात यह है कि कुछ जले हुए अनाज के पौधे भी अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें गलती से जलाया गया हो या फिर जानबूझकर जल गए होंगे, ठीक है, या फिर जानबूझकर जलाया गया हो या फिर गलती से जल गए होंगे, ठीक है। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं और इन्हें बता सकते हैं कि उपमहाद्वीप में किन भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। जो उपमहाद्वीप है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती होंगी, ठीक है। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं केवल। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों के हड्डियों को भी पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि किस किस जानवरों का ये जो पशुपालक है किन जानवरों को पालना शुरू कर चुके होंगे, ठीक है। अब आते हैं स्थायी जीवन की ओर, ठीक है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब पशुपालन में तो नहीं लेकिन कृषि में हमें स्थायी जीवन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पशु पुरातत्वविदों को कुछ पुरातत्वों में झोपड़ियां और घरों के भी निशान मिले हैं, ठीक है। जैसे कि कश्मीर का बोझोहरम, आप मैप में पता लगाइए कि बोझोहरम किस तरह कहाँ है, ठीक है। और आप वहाँ देखेंगे जो पहले हमें कुछ घर मिलते हैं बोझोहरम में मिलते हैं जो कि एक गड्ढे के अंदर बनाए गए थे, ठीक है, जिसे हम गर्तवास कहा जाता था। उसने उतरने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी और उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ये घर अपने मौसम अनुकूल बनाए गए हैं क्योंकि आपको पता होगा कश्मीर के अंदर अधिकतर मात्रा में ठंड होती है, तो इस ठंड से निपटने के लिए उन्होंने अपने घर जो है जमीन के गड्ढे के अंदर बनाए और गड्ढा करके जमीन के अंदर बनाए होंगे, ठीक है। और जो उसके अंदर पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर, मतलब दोनों ही स्थान पर, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी आग जलाने की जगह मिलती है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार लोग घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे उस वक्त, ठीक है। बहुत सी भारी जगहों पर पत्थरों के औजार मिले हैं, इसमें कई ऐसे जो है पुरापाषाणिक उपकरण से भी भिन्न है, ठीक है। कुछ ऐसे भी मिले हैं जो पुरापाषाणिक युग, यानी कि जो पहले औजारों के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, उस युग से भी भिन्न है। इसलिए हम इन्हें नवपाषाण युग कह लेते हैं, क्योंकि इन औजारों में अच्छी धार है, ठीक है, अधिक पैना है और पॉलिश भी चढ़ी हुई है, ठीक है, जिसमें उनकी चमक भी बनी हुई है और धार भी अच्छी खासी है। ओखली और मोसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों के अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था, ठीक है। और आज भी हम देखते हैं कि जो ओखली होती है उसका प्रयोग हम आमतौर पर कुछ पीसने के लिए ही करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिकतर प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार के हमारे जो नवपाषाण युग के उपकरण मिले हैं जो कि आप देख रहे होंगे चमक ही ज्यादा है इनके अंदर और ये काफी धारदार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नवपाषाण काल के अंदर
जो है कुछ हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है, जैसे कि यह मिट्टी का बर्तन, इस मिट्टी के बर्तन मिले हैं और इन पर कुछ अलंकरण यानी कि कुछ सजाया गया है, इनको अच्छी तरीके से नक्काशी की गई है इनकी, ठीक है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए यानी भंडारण के लिए किया जाता था, धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, ठीक है। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का हिस्सा बन चुके थे, ठीक है। जो लोग स्थायी रूप से जीवन अपना शुरू कर चुके थे उनके लिए यही आहार बन चुका था, चावल, गेहूं और दलहन, ठीक है। उनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, जिसके लिए उन्हें कपास जैसे पौधे की उगाए जा सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए उन्हें कपास उगाना हो, ठीक है। इससे वो कपास के बारे में जान चुके होंगे, तो उन्होंने कपास से अपने कपड़े बुनने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। एक तरफ जहां कई स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने के का काम करते थे, वहीं कुछ अन्य कुछ लोग हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया, ठीक है। जिस तरह से कुछ लोग जो है शिकार कर रहे हैं और कुछ लोगों ने अपना कृषि को ही अपना जीवन बना लिया और पशुपालन करना सीख लिया था, ठीक है, वो स्थायी जीवन चलाया करते थे, ठीक है। आइए सूक्ष्म निवेदन, एक जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यानी कि हमें कुछ सूक्ष्म निरीक्षण यानी कि कुछ हमें डीप स्टडी की आवश्यकता है इसके अंदर, जो हमें कहा गया है कि आप जो मानचित्र दो अध्याय में जो मानचित्र दिया गया है, ठीक है, इसमें मेहरगढ़ का पता लगाओ, तो आप मेहरगढ़ देखेंगे जो ईरान जाने वाले रास्ता है उसमें पड़ता है, ठीक है, ये बेलन दर्रे के पास पड़ता है जो एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान रहा होगा जहां पर स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया, ठीक है, भेड़ बकरी को पालना शुरू किया होगा, यानी कि एक आम ग्रामीण या कृषक जीवन रहा होगा यहाँ के लोगों का। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, ठीक है, यानी कि जानवर पालते थे, इसमें हिरण और सुअर और जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियां की हड्डियां भी शामिल है, ठीक है। तो इसमें मेहरगढ़ के में एक चौकर और आयातकार घरों की अवशेष मिले हैं, ठीक है, कुछ चकोर और आयातकार घर के हमें कुछ अवशेष मिलते हैं। प्रत्येक घर के पास में चार कमरे होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ संभवतः अनाज भंडार के काम आते होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कृषक जीवन है, तो जो अपना घर बनाते थे चकोर बनाते थे और उसमें चार कमरे हमें जो देखने को मिलते हैं, चार कमरे मिलते हैं, ये देखते हैं, ये इस प्रकार का कुछ उनका घर हुआ करता था, इसमें चार कमरे देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। इसमें संभवतः ये कुछ लोग अनाज भंडारण के लिए भी प्रयोग किया करते होंगे, ठीक है, अनाज भंडारण का भी प्रयोग करते होंगे। और ऐसा ही माना जाता है कि मृत्यु के बाद सामान्यता जो मृतक के सगे संबंधी थे उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, यानी मेहरगढ़ के लोग ऐसा मानते थे कि जो मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ठीक है, इसलिए कब्रों में मृत्यु के साथ कुछ सामान भी रखे गए हैं, ठीक है। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं जिसमें एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है, ठीक है, जिसमें लोग जो परलोक की अवधारणा को मानते होंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें ये दिख रहा है, ठीक है, ये आदमी है, किसी आदमी मृतक का शरीर है और साथ में ये जो कंकाल दिख रही है हमें, ये किसी जानवर की है जिसमें वैज्ञानिकों के अनुसार ये बकरी की है, ठीक है, ये मेहरगढ़ में मिली एक कब्र है, ठीक है। तो अब ये अन्यत्र पे चलते हैं, यानी एक जो फ्रांस के अंदर गुफा की चित्रकारी मिलती है, ठीक है, ये काफ़ी जो है ऐसे काफ़ी अच्छी चित्रकारी है इसमें, ठीक है, इसमें फ्रांस के अंदर की बात है, फ्रांस के अंदर है, जब कुछ लोग जो छात्र थे उन्होंने इसको ढूंढा होगा और वैज्ञानिकों का मानना है कुछ 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के ये चित्रकारी है, ठीक है। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं जिसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस और बारासिम्बा, सुअर गहरे चमकीले रंग से बनाए गए हैं, ठीक है। इन रंगों का आमतौर पर जो बनाया जाता था इनको लोह अयस्क और चारकोल के द्वारा बनाया जाता था, ठीक है, काफ़ी पक्के रंग है ये, आज भी वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है, इनकी चमक कम नहीं पड़ी है। इसमें दिखाया गया है कि जो शिकारी थे वो शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान यानी कुछ पूजा किया करते थे, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है, इसमें और हमें एक नवपाषाणी पुरा स्थल के बारे में और बताया गया है। आप एटलस में एक तुर्की नाम का एक देश है उसे ढूंढिए और इसमें वो नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक चताल हुक तुर्की में है, ठीक है। दूर दराज से चलाई गई चीजें जैसे सीरिया से लाकर चमक पत्थर, लाल पत्थर और कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियां, ध्यान रहे उस समय पहिए का विकास नहीं हुआ था, फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे, ठीक है, और वहां पर लोग या तो खुद पीठ पर अपना सामान लेकर आ जाया करते थे या फिर जानवर के पीठ पर सामान बांधा जाता था, ठीक है, यही इसमें इनके जो है यातायात के साधन रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी तक इसमें पहिए की खोज नहीं की गई है, ठीक है, चलिए।